हेलो गाइस, तो यहाँ पैन में गरम हो रहा है 1 टेबल स्पून तेल। एक्चुअली ना आज सब्जी नहीं थी। वैसे मुझे लगता है ये 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज्यादा है। आज ना घर में सब्जी की थोड़ी सी कमी चल रही थी, मतलब मार्केट गई नहीं, मैं लाई नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा कुछ नई रेसिपी ट्राई की जाए। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना। अब इसमें डाली है थोड़ी सी राई, बढ़िया से चटक जाए उससे फ्लेवर अच्छा आता है। और साथ में ही डाला है आधा चम्मच जीरा। जीरा तो ना हमारे खाने में पड़ना ही चाहिए। तो अब ये दोनों चीजें अच्छे से हो जाएं, और साथ में यहाँ पे जा रहा है इसमें थोड़ा सा हींग। ज्यादा हींग डालने की जरूरत नहीं है, 1/4 चम्मच काफी है। और यहाँ पर है मेरे पास एक छोटा वाला प्याज, बारीक बारीक काटा है, मतलब बहुत बारीक नहीं मगर फिर भी बारीक बारीक है। और इसको भी डाल देंगे इसी पैन के अंदर। आवाज अच्छी आ रही है ना, एकदम ऐसे तड़के की आवाज बहुत अच्छी आती है। अब खुशबू तो मैं आप तक पहुंचा नहीं सकती, पर एक्चुअली में खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इस वक्त किचन में। तो इसे भी साथ में ही यहाँ पे थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। थोड़ा सा चलाना भी जरूरी है, फटाफट हो जाएगा। हल्का सा ही भूनना है, कोई बहुत ज्यादा इसको डार्क नहीं करना है। एक ही प्याज काफी है। और यहाँ पे लिया है 8-9 कली लहसुन की, इनको भी एकदम बारीक बारीक चॉप कर लिया है। आप चाहो तो इसे ग्रेट भी कर सकते हो, एकदम पेस्ट बना सकते हो इसका। और साथ में यहाँ पे थोड़ी सी अदरक ली है। अच्छा, ये जो रेसिपी है ना, इसकी खासियत यह है कि इसमें ना लहसुन अदरक से थोड़ा सा ज्यादा जाता है। तो आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ज्यादा लहसुन होगा तो रेसिपी ज्यादा टेस्टी लगेगी। वैसे आपकी मर्जी है, चाहो तो बिल्कुल भी मत डालो, क्योंकि खाना आपने है तो आप अपने हिसाब से उसे कस्टमाइज कर सकते हो। और ये है साबुत लाल मिर्च, तो इनको भी जरूर डाल दो। हल्का सा कट लगा लेना इसमें, चाहो तो तोड़ के डाल दो या इस तरह हल्का सा कट लगा के फिर डाल दो। और यहाँ बहुत ज्यादा एकदम धुआं कैमरे के ऊपर ही आ रहा है। और यहाँ पे लिए हैं थोड़े से कड़ी पत्ते, और इनको भी साथ में ही डाल दो। कड़ी पत्ते से ना बड़ा बढ़िया फ्लेवर आता है इस रेसिपी में, तो कड़ी पत्ता जरूर डालना, स्किप मत करना इसको। मतलब कोई भी सब्जी नहीं है तो कम से कम कड़ी पत्ता तो होना चाहिए। अच्छा चलो, वो भी नहीं है तो कोई बात नहीं, उसे भी रहने दो, पर डालोगे ना तो सच में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और इसको अच्छे से थोड़ी देर के लिए चला लेंगे, ज्यादा नहीं करना, 2 मिनट ही काफी है। जो प्याज है वो हल्का सा पिंकिश सा होने लग जाएगा, आप देख सकते हो थोड़ा सा पिंक पिंक सा होना शुरू भी हो गया है। बस ऐसा ही हमको चाहिए, हमको ज्यादा डार्क ब्राउन कलर नहीं चाहिए, हल्का सा पिंक पिंक ही काफी है। और उसको अब गैस को भी ना सिम कर दो, ना बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन हो जाएगा, वो भी अच्छा नहीं लगेगा। और इसको धीरे धीरे पकने देंगे। आवाज भी कितनी अच्छी आ रही है इस वक्त। और हल्की सी डालेंगे हल्दी, बस 1/4 चम्मच हल्दी काफी है इसमें। बहुत ज्यादा हल्दी डालेंगे क्या फायदा, हमने प्याज भी एक ही लिया है तो इतनी सी हल्दी काफी है। और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, आपको ज्यादा तीखा पसंद है तो ज्यादा तीखा डालिए, क्योंकि हमने पहले उसमें सूखी लाल मिर्चें भी डाली हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा मत डालिएगा। और ये है कश्मीरी लाल मिर्च, इसकी आपको पता है तीखापन तो होता ही नहीं है इसमें, पर हाँ इसका कलर बहुत अच्छा आता है। अब सब्जी इस तरीके की बन रही है तो कम से कम कलर तो आना चाहिए ना उसमें, एकदम इंस्टेंट सब्जी है। आपको ये रेसिपी सच में बहुत पसंद आएगी, चाहो तो इसे रोटी के साथ खाओ, पराठे के साथ खाओ, रोज बनाकर खाओ, हेल्थ के लिए भी अच्छी है और टेस्टी, एकदम टेस्टी है, जबरदस्त एकदम। आपको पसंद डेफिनेटली आने वाली है ये सब्जी, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी, 5 मिनट में बनकर रेडी हो जाती है। तो अब यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है, और उसकी आवाज सुनिए कितनी अच्छी आवाज आ रही है उसमें से, यही तो तड़के की आवाज है और यहीं पे तो खाने का मन करता है उसे। और इसमें हमने डाला है थोड़ा सा गरम मसाला, और इसको अब गैस को कर देंगे बंद, क्योंकि हमें ना इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ठंडा करना है, क्योंकि अभी ये ठंडा नहीं है, बहुत तेज गर्म है। तो अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आएगा ना, वो ही है इसका मेन इंग्रेडिएंट, अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो गई ना तो फिर सब्जी खराब हो जाएगी। तो इसीलिए इस वक्त हमने गैस को कर दिया बंद, हमें ज्यादा इसे पकाने की जरूरत नहीं है, इतना ही काफी है। और ये अब धीरे धीरे हो जाएगा ठंडा, तब तक हम आपको दिखाते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप। तो उसके लिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा कैमरा शिफ्ट कर लेती हूँ, और ये मैंने कैमरा इधर कर लिया है। और ये है थोड़ी सी दही, तो इसमें आप देख सकते हो ये 1 कप दही है, इसमें आप देख सकते हो गाढ़ी गाढ़ी दही है, और
और थोड़े से इसमें ना लम्स है, तो इसको अच्छी तरह से आप इसको इस तरीके से फेंट लीजिए ताकि वो एकदम क्रीमी स्मूथ सी हो जाए। वो पीछे बन रहे हैं, अपना तड़का तैयार हो रहा है, और ये रही दही, तो इसको हल्के हल्के से फेंट लें। आपको इसमें पानी डाल के इसे पतला करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही काफी है। एक कप दही, एक कप प्याज, इतना सिंपल सा है इसका रेसिपी। आप चाहो ज्यादा पसंद है तो ज्यादा बढ़ा भी सकते हो। और इसको हल्का हल्का सा फेंटना है, जैसे ही आपके वहां पे प्याज जो है ठंडा होना शुरू हो जाएगा तो उसमें इसको डाल दीजिए। ये देखिए इसको डाल देंगे। अगर गैस ऑन हुई और आपने ऑन गैस के अंदर ही डाल दिया तो दही फटने के चांसेस हो जाते हैं, तो हमें दही को फाड़ने की क्या जरूरत है, हमें तो तड़का दही बनाना है एकदम मसालेदार और टेस्टी, तो इसलिए इसको गैस को करना पड़ा बंद। और अब बंद गैस में ही इसको धीरे धीरे मिक्स कर लेंगे आपस में। आप देख सकते हो बहुत ज्यादा तेल की जरूरत नहीं है क्योंकि जितना तेल है वो ही आ गया। और हाँ, एक चीज और, इसमें अभी तक नमक नहीं डाला है, क्योंकि अगर नमक पहले डाल देंगे तो दही फटेगी ही फटेगी, वो गारंटी है। तो इसमें आप टमाटर भी मत डालिए क्योंकि दही तो ऑलरेडी वैसी ही होती है ना, टमाटर जैसे ही फ्लेवर होता है। अब डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि ऑलमोस्ट रेसिपी हो ही चुकी है, तो इसको नमक डालेंगे। और आप अपनी पसंद से इसके अंदर चाहो तो थोड़ा सा पुदीना भी डाल सकते हो, सूखा पुदीना डालो, बढ़िया फ्लेवर आएगा। सूखा पुदीना नहीं है तो आप इसमें डाल दो कटा हुआ हरा धनिया, उससे कलर अच्छा आता है ना, और ऊपर से फ्लेवर भी बढ़िया हो जाता है। और जब इसे खाने लग जाओ तो चाहो तो इसके अंदर थोड़ी सी बूंदी भी डाल सकते हो। मेरे पास रखी है, मुझे पसंद भी बहुत है, तो मैं तो इसके ऊपर ना हल्की सी ऐसे बूंदी छिड़क देती हूँ तो वो अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है एकदम से। वैसे कंपल्सरी नहीं है, जो ऑथेंटिक रेसिपी होती है उसमें बूंदी नहीं जाती, तो मुझे पर्सनली पसंद है तो मैं ऊपर से यहाँ पे बूंदी भी छिड़क रही हूँ। और अब आप इसको खाओ, ये बहुत ही टेस्टी है, रोटी के साथ बहुत बढ़िया लगती है, पराठे के साथ बहुत बढ़िया लगती है, मतलब आपकी ना फेवरेट बन जाएगी, रोज खा सकते हो इसको। और किसी भी तरीके के आप पराठे के साथ खा सकते हो इसे, बहुत ज्यादा टेस्टी है। इंस्टेंट रेसिपी, इजी रेसिपी, अगर पसंद आए तो इसे शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, लाइक कर दीजिए, और मैं आपसे अगली वीडियो में मिलती हूँ। अब तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।